अच्छा जी, अभी आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ये बात है कि एरिया आपके पास गिवन है 2011/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, हमने एरिया के फार्मूला से स्टार्ट करना है और बारी बारी दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, एरिया का फार्मूला क्या है? 4πr². क्या फार्मूला है एरिया का? 4πr². अच्छा जी बेटे, अब ये जो 2011/7 है इसको सिंप्लीफाई कर लें। दो तरीक़ों से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। एक तरीका का ये भी होता है कि आप 201 को 7 से मल्टीप्लाई करें और आंसर में 1 को ऐडअप कर लें, या आप 1/7 को डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको 201 में ऐड कर लेंगे तो भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद 22/7 है इंटू आर स्केयर है, ये इधर लाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर स्केयर का आंसर बन जाएगा 16। अच्छा जी, अब हमें आर स्केयर नहीं चाहिए बल्कि आर जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, आर की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ए रेडियस हम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम हमें चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करें 4/3πr³। 4/3 एज इट इज़ 22/7 इंटू 4³ 88 मल्टीप्लाइड बाई 64 डिवाइडेड बाई 7³ = 21। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 268.19 cm³। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वॉल्यूम में आपने यूनिट को ट्रिपल कर देना है, एरिया के लिए आपने यूनिट को डबल करना होता है और रेडियस सिंगल ही रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब।